सांस किसी की ना छूटे, ना किसी औरत की ना किसी मर्द। और नमाज में अल्लाह का एक मुतालबा है कि जब नमाज पढ़ो तो तू और मैं हूं और कोई ना। एक उसकी आम मिसाल देता हूं, बीवी तुमसे बात कर रहे हो ना, बीच में मोबाइल बज पड़े तो वो बीवी कहती क्या मुसीबत, कभी तो उसको बंद कर दिया करो। ये एक आज की आम मिसाल, मेरे साथ तो बहुत होता रहता है। क्या मुसीबत, कभी तो उसको बंद, कभी तो मेरी तरफ भी मुतवज्जे हुआ करो। ठीक है, तो अल्लाह कुरान में एक बात करता, कहता फैदा फरफ फंसब वैदा रब्बिक फरफ। आपको मैं गिलास गिलास ये गिलास है ना, इसमें भी ये कुछ पानी थोड़ा सा है, ये मैंने उसको उल्टाया है तो अब कोई कतरा रह गया जी, देखिए आप। इसको अरबी में कहते हैं फराग, कि चीज को इस तरह खाली करना कि उसमें कोई शय बाकी ना रहे। तो मेरा रब कह रहा है कि जब मेरे पास आया करो ना तो दिल को ऐसे फारिग करके आया करो। और ये मुतालबा पता है किससे है, अपने हबीब से, फैदा फरह वैला रब्बी का फर्क। तो इस पर उलमा लिखते हैं कि अल्लाह के नबी के दिल में क्या था जिसको अल्लाह कह रहा फारग हो गया, न दुनिया थी, न चीजें थी, न बीवियां थी, न औलाद थी, सिवाय अल्लाह के कुछ था नहीं। तो फिर अल्लाह अपने नबी से कह रहा दिल फारग करके आ। तो उलमा लिखते हैं कि अल्लाह के नबी में एक गम था इंसानियत की हिदायत, जिस पर आप रोते थे कुड़ते थे, لَعَلَّكَ بَاخِيٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ। तो मैं उस रब की कुर्बानी, मेरे हबीब गम खा इंसानियत का जितना खाना खा, जब मेरे पास आया कर तो वो भी निकाल दिया कर, बस तू और मैं, बस तू और मैं, और कोई नहीं होना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा तबका तो नमाज पढ़ता ही नहीं है, लेकिन जो पढ़ते हैं ना उनको नमाज बनाने का कभी शौक नहीं। औरत को ये शौक था कि मेरे घर डेकोरेट ऐसा 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 उसमें गुलदस्ता पड़ा हो, ऐसा टेबल हो, ऐसा सोफा हो, ऐसी मेज हो, मेरा कपड़ा ऐसा हो, आप भी कहते हो गाड़ी ऐसी हो, दफ्तर ऐसा हो। मेरा रब भी तो कहता है, एक हदीस साथ और जोड़ दो, यबना आदम कम तज़य्यल लिन्नास फहल तज़य्यन्त लिअज्ली। मेरा बंदा तू लोगों के लिए कितना बन समर के निकलता है, कभी मेरे लिए भी तो बन समर के है। मैं आने लगा तो मैंने कपड़े बदले, आने का मैं अगर मैं बुनी कपड़ों में आ जाता तो क्या फर्क पड़ता था, आपने तारिक जमील को सुनना था ना कि उसके कपड़ों को। लेकिन आदमी के लाशोर में होता है भाई लोगों को से मिलना है, साफ सुथरे कपड़े पहन के आऊं, तो अल्लाह ये गिला कर रहा है मेरा बंदा, मेरी बंदी लोगों के लिए तो इतना बनता समर, अगर मेरे लिए भी तो बन समर गया। अच्छा मैं बड़ा हैरान हूं, पत्ता पत्ता मेरे रब की तस्बीह और नमाज पढ़ता है, सातों आसमान भरे पड़े हैं फरिश्तों से, सजदों में पड़े। अल्लाह उन सबसे हटकर कहता नहीं तू सजदा कर, तेरे सजदे में जो खुशी होती है ना वो और किसी से नहीं होती। जब तू धरती पे सर रख के कहता है सुभान रब्बी अल आला तो मैं खुश हो जाता। तो हर मर्द औरत से क्या मुतालबा है, ऐसी नमाज पढ़ो कि दिल खाली हो। ये नमाज सीखनी पड़ेगी, 95% तो पढ़ते ही ना, जो पढ़ते हैं उनको एहसास ही कोई नहीं कि मैं किसके सामने खड़ा। तो मेरे नबी की जिंदगी का खुलासा दो बात जो आपने दुनिया से जाते हुए कही थी, अस्सदा व मा मलकत ईमानुक, ऐ मेरी उम्मत एक नमाज ना छोड़ो। पूरे दीन पर तो आते आते आएंगे, लेकिन दो बातें अगर आप सीख लें कर लें मर्द औरत तो दीन सारा काबू में आ जाए, एक नमाज जिंदा हो जाए और दूसरी चीज है वो अखलाक जिंदा हो जाए, अच्छे अखलाक। محمد رسول الله عليه صلاة الله
وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة.